मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई, अभी इससे भी ऊपर जाना है। जोर दी छटे मार, जोर दी ठाला मारी बिच। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह के 8:22 हो चुके हैं। आज हमने जाना था भिम्बर। भिम्बर जो है वो कश्मीर में है, तो निकलना तो हमने वैसे पूरे 8 बजे था, 8:22 हो चुके हैं। मेरे अलावा कोई भी नहीं उठा, तो सबको कॉल करते हैं एज यूजुअल। जो हमने प्लान बनाया होता है तो किसी एक बंदे को ये जिम्मेदारी लेनी होती है, तो कॉल करते हैं। पहले बंदे को कॉल कर रहे हैं, अब देखते हैं ये उठाता है कि नहीं। अगर ये बंदा कॉल नहीं उठाएगा या ये नहीं जाएगा तो हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। फोन नहीं उठा रहा यार, ये मसला है, दोबारा करनी पड़ेगी। सबको कॉल कर दी, अब सब रेडी हो रहे हैं और खुद भी रेडी हो जाते हैं। हम बाहर गली में आ चुके हैं विद हेलमेट्स, बाइक रेडी। चंगी तरह बुला लो, कम हेयर क्यों दा? कासम है? कासम यहाँ से भिम्बर है 98 किलोमीटर। एनक की थी, एनक लैन गया है तू ना भाई। चलो भाजी पर घुमाओ। अब हम निकल रहे हैं ड्राइविंग के लिए, रास्तों की वीडियो दिखाएंगे बाकी वहाँ पहुँच के। ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रैवल के पहले। अभी धूप निकल आई है, मौसम ऐसे ही है, कभी धूप कभी बादल। अब हम निकलने लगे हैं लंबे सफ़र के लिए। कि लग गया जी दिया। हमने पूरी आबोताब के साथ अपने सफर का आगाज कर दिया। वैसे तो भिम्बर के 3 रास्ते हैं, लेकिन हमने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला रास्ता चूज किया जो हमें बेटर लगा, और जल्दी ही हम धूम मचाते हुए दरियाए चनाब पर पहुंच गए। और दरियाए चनाब क्रॉस करते ही हम जलालपुर जट्टा में थे, जो कि हमारा फर्स्ट लैंडमार्क था। जलालपुर जट्टा पहुंचने के बाद हमारा सफर सिर्फ 50 किलोमीटर का रह गया था, और एक दफा फिर हमने अपनी स्पीड पकड़ ली। और जैसे जैसे घड़ी के मिनट गुजर रहे थे, वैसे वैसे ही हमारे किलोमीटर गिर रहे थे। और जब हेलमेट होने के बावजूद आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उसका सबक तो जरूर मिलेगा। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे एक राइडर के साथ। और ना पाओ हेलमेट। हेलमेट तो आप अपा भाजी फिर ओए कैमरे को बचिया, मैं मनु अगे बढ़िया बचिया पहला बच्ची बॉय तो शुक्रिया भाई, थैंक यू। ये रास्ता है, अभी हम थोड़ी सी दूर है, या तकरीबन 30 किलोमीटर का या उससे कम का डिफरेंस रहता है। और हमारा जो एक राइडर है उसने हेलमेट नहीं पहना था, उसकी सजा उसको मिल गई है। खैर अभी अब इसको थोड़ा सा रिवाइव करने के बाद दोबारा अपना सफर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। क्या खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे। और फिर जल्दी ही भिम्बर की खूबसूरत पहाड़ियाँ हमें नजर आने लगी, और साथ साथ में अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी हो रहा था। जब हमने भिम्बर शहर को क्रॉस कर लिया था तो इन खूबसूरत पहाड़ों ने हमारा इस्तकबाल किया, और फिर ये खूबसूरत ब्रिज देख के हमारी ख्वाहिश थी कि हम इसको क्रॉस करके जाएं, लेकिन हमारा रास्ता कोई और था। फिर हम इस दूसरे ब्रिज से गए, लेकिन हमें पता चला कि ये ब्रिज भी हमारे लिए नहीं है, तो हमने एक दफ़ा फिर अपना रास्ता बदला और पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू कर दी। अब आगे के खूबसूरत व्लॉग में मैं खामोश रहूंगा, अब आप मेरी आवाज कम सुनेंगे और एंजॉय ज्यादा करेंगे। भाई जान, जब नारायण का गान हम गए थे तो सेंसेशन की वजह से कान बंद हो जाते थे। यहाँ भी जब हम चढ़ाई पे आते हैं तो इस वक्त जो कान है बिल्कुल बंद है मेरे सेंसेशन की वजह से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं।
नारायण का खान में भी बिल्कुल ऐसे सीन नजर आए थे। एक छोटा सा प्लान हमने बनाया है कि ये हमें चढ़ाई नजर आ रही है, ये वाली जो चढ़ाई है, तो भाई कहते हैं जी इसको पैदल सर करेंगे, तो हम अपने साथ ये लाए हैं जिनसे चला भी नहीं जा रहा, शादीशुदा ये लोग, सफियान इधर। तो मैं सफियान को मोबाइल पकड़ाने लगा हूं और हम चारों चढ़ेंगे। सफियान इधर आ जा, देखते हैं किसमें कितना दम, कौन ऊपर तक जाता है, जो ज्यादा ऊपर जाएगा वो जीतेगा। तो कंपटीशन से पहले हल्का होना जरूरी है। अदील साहब पहाड़ा नु पानी देने जा रहे हैं। 3, 2, 1, go! जब हमने पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की तो ये बहुत आसान लग रहा था, लेकिन बारिशों की वजह से जो चट्टाने हैं वो बहुत स्लिपरी हो चुकी थी और हमें बहुत देखभाल के पैर रखना पड़ रहा था। लेकिन उतराई में तो हमें और भी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ी, बल्कि जड़ी बूटियों को भी पकड़ना पड़ गया। तो मैं सबसे पहले पहुंचा। अमरीजा टोरा, तो भाई कंपटीशन डन, आपका भाई जीत चुका है। अब हम यहाँ से फर्दर आगे जाएंगे। बादल है नीचे, खूबसूरत पहाड़। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो चढ़ाई है हमें सीधा नारायण कगान या गिलगित बल्तिस्तान ना फेंक दे, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रही। ओहो सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह जी, क्या खूबसूरत ये नज़ारे हैं। अभी हम पूरी चढ़ाई पे पहुंचे नहीं हैं, अभी इससे भी ऊपर जाना है। यहाँ से हम ऊपर आए हैं, लेकिन जो नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, और हम ज़रा रुक गए कि यहाँ पे कोई फ़ोटो वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। नहीं रोस्ट करनी चाहिए थी, बकरा कोई लब्बे तो फेर ही। अभी हम मजीद ऊपर जा रहे हैं, जो लास्ट इसकी हाइट है मोटरसाइकिल, ओ बड़ी ऊंचाई है, मैं रहने उतनी दरबार है, जो लास्ट इसकी हाइट है वहाँ पे हम जाएंगे। ट्रक जो है अपनी कोशिशें कर रहे हैं चढ़ाई करने में, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है ये, थोड़ी नहीं है। लोगों ने खेतीबाड़ी की है, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। यहाँ
पे हम पहुंचे हैं, ये पता नहीं कौन सी जगह है, पीछे कोई दरबार गुजरा था शायद, और उससे आगे अब उतराई शुरू हो गई है और हम थोड़ा सा परेशान हैं क्योंकि हम बहुत ऊंचाई छोड़ के आए थे। हमने ये सोचा था कि शायद आगे ऊंचाई होगी और हम वहाँ पे कुछ खाएं पिएंगे और कुछ इंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब उतराई शुरू हो गई है। जो दूसरे राइडर्स थे उनका वेट कर लेते हैं इन सीटों के ऊपर बैठ के।